Assalamualaikum guys. So today we're here at Barambas and we're collaborating with two very talented boys. They have recently performed in Nescafe Basement as well. And they are known as Baloch Brothers. They're known as the Baloch Brothers. So please meet Adil Baloch and Asim Baloch. कैसे हैं आप दोनों? काम नहीं कहूँगा क्योंकि हम काफ़ी अरसे से जो है मेहनत कर रहे हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुँच रहे हैं. 2016 में जब ऑडिशन वगैरह हो रहे तो मुझे उसका थोड़े दिनों बाद पता चला जब ऑडिशन हो चुके थे तो आई टेक्स्टेड नेस्केफे के ऑफिशियल पेज के हमने भी आना. मैं सुल्फी भाई मेरे पास तो बेस्ट है ना सुल्फी भाई के लिए. हां जी क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं जिसको बयान नहीं कर सकता. बहुत सबसे लाइफ की कह सकते हैं कि बेस्ट एक्सपीरियंसेस में क्योंकि वहाँ पे जो म्यूजिशियंस हैं जो लोग हैं जो जैसा म्यूजिक प्ले करते हैं वो हमारे साथ बिल्कुल और एजाज रहा हमारे लिए ऑनर है हमारे लिए बिल्कुल उनके साथ होना उनके साथ बैठना उनके साथ परफॉर्म करना कोई वर्ड्स नहीं. म्यूजिक के हवाले से लाहौर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला? हाँ जैसे क्योंकि एक तो म्यूज़िक होता है जो खाली आपको अपीलिंग लगता है तो आप उसको कर लेते हैं लेकिन जुल्फी भाई ऐसा नहीं है वो नैरेटिव के साथ उसको ट्रीट कर रहे होते हैं कि यार अगर ये पीस है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सूफियाना कलाम है या कोई पॉप है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए उसमें लिरिक्स अगर कुछ और मांग रहे हैं तो उसको ट्रीट हमें किस तरह करना चाहिए तो वो सारी चीज़ों को देख के बड़ी बारीकी के साथ जो है ना उसको डील करना. आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये लगता है म्यूजिक के हवाले से कि ये सिर्फ सुनने की चीज़ है बट दे डोंट नो कि म्यूजिक को लोग स्टडी करते हैं. स्टोरी टेलिंग है पूरी ये लाइक फिल्म ये एक स्टोरी. और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अब जो एलयूजी वगैरह इस तरह के बैंड्स हैं म्यूजिक से रिलेटेड वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और वो अब जाके थोड़ा ना नोन होना स्टार्ट हुए तो अब आप मुझे ये बताएं कि लियारी में म्यूजिक का क्या स्कोप है? सर स्कोप इज़ समथिंग जो मुझे ये वर्ड बेसिकली मुझे समझ नहीं आता कि स्कोप से क्या लेना देना लेकिन ये बात है कि जब कोई चीज़ सही मानों में पोर्ट्रे होती है जब लोगों को दिखती है तो लोग उसकी तरफ आना चाहते हैं या पसंद करते हैं उसकी तरफ आना तो बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है एलयूजी या और जो ये आप कह सकते हैं कि पॉप स्टार्स ये सामने आए हैं तो जब लोग देखते हैं कि हमारे अपने ही इर्द गिर्द के लड़के सामने आ रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं उन्हें आप कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है तो उसको देख देख के जो है ना अब म्यूज़िक काफ़ी आते हैं लोग उसकी तरफ आ रहे हैं अपने सिंगर से ट्रैक्स बना रहे हैं. यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट पटारी में सारे जारी के लड़के हैं जो अपना म्यूज़िक दे रहे हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो जब चीज़ कोई दिखती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो सिंस यू गाइस हैव बीन बोर्न एंड रेज इन कराची यूनी तो शायद आप दोनों पहली मरतबा लाहौर गए थे परफॉर्म विद नेस्कैफे तो लाहौर जाकर कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए मैं जो बात करूँगा सच करूँगा क्योंकि बहुत ख्वाहिश थी फोन पर हाथ रख के पहले कसम खाई जी मैं सच कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा. बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी लाहौर जाने की शुरू से ही चूँकि वो एक बहुत कह सकते हैं कि कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है आर्किटेक्चर वाइज आर्किटेक्चर हाँ बिल्कुल तो जाने की ख्वाहिश थी और वो पूरी भी होगी बहुत अच्छा लगा है. तो लाहौर का बहुत अच्छा सीन है वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे सफाई तो हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा साफ है कराची का काम है. लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की जो हमने नोट की वो ये कि लोग वहाँ पे सोशली इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हैं वो आपसे इतना ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है. म्यूजिशियंस की बात नहीं कर रहा जो बाहर क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम हुआ करना तो हम सुबह 7 बजे ही पैदल निकल जाते थे यहाँ कभी अपने होटल से गए अनारकली तो वी आर जस्ट मूविंग अराउंड और चाय पी रहे ये करें वहाँ की चाय अच्छी नहीं होती कराची की चाय नहीं और लोग वहाँ पे जो है इंटरेक्टिव नहीं है वो इंटरेक्शन नहीं करते आपके साथ बहुत ज़्यादा सोशली अजीब सा थोड़ा बिहेव करके मैंने नोट किया. मतलब कराची का खाना वेंस खाना तो मीन्स कराची के पीपल लेकिन खैर स्टीरियोटाइप बिल्कुल कहेंगे लेकिन वो है ना कि कराची में अगर कोई आपको देख रहा होगा कोई नया इंसान आया है अजनबी तो उससे दो तीन बातें करेगा पूछेगा लोगों को जाहिर सी बात है हम डिफरेंट लगते होंगे क्योंकि हम कराची से गए थे ड्रेसिंग था ये वो तो
उस हवाले से भी लोगों ने मतलब बातचीत करने की कोशिश नहीं की और हम तो आए सोशल एनिमल और खाना थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत कराची की बिरयानी कराची की अलीम और मशहूर काफी चीजें वहाँ पे लेकिन Alright, so we're going to be winding up our podcast now. और wind up से पहले तो आप लोगों को पता है आपका perform करना लाजमी है. Yes. अच्छा वाइन और प्लीज हमें कुछ बलोची सुना दे. क्या सुना चाहिए? बलोची कुछ खूबसूरत सा सुना दे. बलोची सुना दे पक्की बात. Yes. क्या है? अभी जो गा रहे थे तीनों मिलके. अभी गा रहे थे. संभलते हो अच्छे? अभी बैठो आप. ये तशनी थी यार. उसका इंट्रो होता है वो गा रहा होता है नहीं सुनी. चलो कुछ और सुना दो मगर वो मैं गानूंगी तुम्हें बलोची में सुना ना. तो बेसिकली ये एक कंपोजिशन है जो बिहारी के ही एक लेजेंड है उस्ताद इमाम बख्श मस्ताना के नाम से उनको जाना जाता है और वो शायद अभी बहुत ही ज़्यादा ज़हीफ हो चुके हैं एंड उनकी लेकिन भारत कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो जिस तरह से हाँ बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लहरी में किस तरह के म्यूज़िक तो ये चीज़ें लहरी में ही कंपोज हुई. हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं थोड़ी देर तजने तैयार मशाकार गहे मेरे मनी तजने तैयार मशाकार गहे हेलो पीपल थैंक्स फॉर वॉचिंग अस और आज जो है हमें बहुत मजा आया बडम टस के साथ जो है एक पॉडकास्ट हमारी हुई थी और उसमें जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा. आसिम ने मोना ऐड समथिंग. वेल सारी बातें आपने कर दी लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा ऐसे यंग लोगों के साथ बैठ के जो है बात करना डिस्कशन करना उनके साथ तो ये एक बहुत अच्छा ऑन सीन था. और हाँ इसके साथ साथ बडम टस को भी जो है आप सब्सक्राइब कीजिए उनके यूट्यूब चैनल को फेसबुक को और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बलूच ब्रदर्स नॉट बलोच BALUCH.